दोस्तों, अब से कुछ ही दिनों पहले एचईएल के सीएमडी रशिया की यात्रा पर गए हुए थे और इस यात्रा की दौरान ये बोला जा रहा था कि जो एचईएल के सीएमडी हैं वो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए रशिया के साथ इंजन को लेकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जल्द ही हमारे रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी भी रशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं और राजनाथ सिंह जी की इस यात्रा के बाद 2025 की शुरुआत में व्लादिमीर पुतिन भी भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय लगातार रशिया की विजिट बार बार की क्यों जा रही है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की कमी लगातार होती जा रही है। अभी हमारी वायुसेना के पास 30 से 31 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की बची हुई हैं, जो आने वाले समय में घटकर केवल 29 स्क्वाड्रन ही रहने वाली है। ऊपर से अभी हमारी वायुसेना को तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी भी नहीं मिल पा रही है और अभी तक हम अपनी वायुसेना के लिए MRFA डील को भी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सीधा सा निगेटिव इंपैक्ट हमारी वायुसेना के ऊपर पड़ने वाला है। इसी बात को देखते हुए भारतीय वायुसेना का पूरा ही प्रेशर हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की फ्लीट के ऊपर आने वाला है और इस समय ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है कि हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की सभी फ्लीट पूरी तरीके से मेंटेन रहे, क्योंकि जिस समय हमारी वायुसेना के पास केवल 29 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन बचेगी, उस समय पूरा ही प्रेशर सुखोई 30 MKI और MiG 29 फाइटर जेट के ऊपर आने वाला है। इसी बात को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दो अप्रूवल दिए गए हैं, जिसमें से पहला अप्रूवल तो सुखोई 30 MKI फ्लीट को मेंटेन रखने के लिए 240 AL-31 इंजन का ऑर्डर दिया गया है और इन इंजन का प्रोडक्शन इस समय HAL ने करना भी शुरू कर दिया है। इस समय भारत की तरफ से रशिया की यात्रा बैक टू बैक इसलिए की जा रही है क्योंकि इस समय AL-31 इंजन के अंदर बहुत से ऐसे कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिनको सीधे ही रशिया से इंपोर्ट किया जाता है और इन यात्रा के दौरान रशिया से इस बात को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है कि जब हम इन इंजनों को बनाना शुरू कर देंगे उस समय आप इन कंपोनेंट को लेकर जरा भी लेट ना करना। दूसरा अप्रूवल RD-33 इंजन को लेकर दिया गया है। इस समय भारत के अंदर HAL ही RD-33 इंजन को बनाकर तैयार करता है और इस समय HAL RD-33 इंजन की सीरीज 3 का प्रोडक्शन भारत के अंदर करता है, लेकिन इस समय रशिया RD-33 इंजन के MK वर्जन को बनाकर तैयार कर चुका है जो पहले इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है और इस इंजन को भारत में ही बनाने का अप्रूवल भी भारत को मिल चुका है और अभी नए इंजन का इस्तेमाल हम अपने MiG 29 फाइटर जेट के अंदर करने वाले हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इस समय जो रशिया के साथ इंजन को लेकर बातचीत की जा रही है वो अपनी सुखोई 30 MKI और MiG 29 फाइटर जेट की फ्लीट को मेंटेन रखने के लिए की जा रही है। यहाँ पर तेजस फाइटर जेट के अंदर रशियन इंजन को लगाने को लेकर बातचीत नहीं की जा रही है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर रशियन ओरिजिन के इंजन का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।